हरे कृष्ण। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेषाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाव दिव्य सुवी सुंदराय तस्मे महाप्रेम रस प्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। सर्वप्रथम मैं श्रीमान सामदास प्रभु और निताई सेवनी माता जी के चरण कमलों में दंडवत करते हुए नतमस्तक करते हुए उनसे यही कृपा की अपेक्षा करता हूं कि जो भी मैं भक्ति कर रहा हूं या जो भी हम सब भक्ति कर रहे हैं उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे और हम भक्ति में उन्नति पाते रहें, गुरु को प्रसन्न करते रहें। और जब तक हम आखिरी सांस तक जब तक इस्कॉन में हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो प्रभुपाद ने बनाया है अपने खून पसीने से, प्रभुपाद को प्रसन्न कर सके, गुरुवर आचार्य को प्रसन्न कर सके। तो प्रभु हमेशा कई भक्त जो है प्रसन्न करते हैं कि प्रभु हम भक्ति कर रहे हैं या कई नियमों का पालन करते हैं मगर हमें आनंद की अनुभूति नहीं होती है, हमें खुशी की अनुभूति नहीं होती है, ये हमेशा कहते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि मानव जन्म में जो हम इस संसार में कितना कष्ट कितने तकलीफ में है, पहले ये समझना चाहिए। कितने समस्या से हर रोज गुजरते हैं यह अनुभव हम सबका है। इस जगत में कोई साधु हो, ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, कोई नहीं बोल सकता कि उसे दुख की अनुभूति नहीं है। जो बोलता है कि उसे दुख की अनुभूति नहीं है वो झूठ बोल रहा है। सिर्फ पशु ही नहीं बोल सकते कि उसे तकलीफ है। इस जगत को भगवान ने इस तरह सृष्टि किया हुआ है कि ये कारागार की समान है। यहां कोई साधु हो असाधु हो सभी दुख का अनुभव करेंगे और सुख का अनुभव कब करेंगे? यदि यहां पे दुख का अनुभव ही करेंगे तो सुख का अनुभव कब करेंगे? जब भगवान के साथ हम संपर्क रखेंगे, उनका नाम भजन करेंगे, तब सुख का अनुभव करेंगे। भगवान ने इस जगत का इस तरह मॉडलिंग किया हुआ है कि भगवत गीता में बताया है ये जगत दुखालय है। कहीं भी भगवान ने नहीं बताया कि ये संसार सुखालय है। हम जब कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो हम दुकान में प्रवेश करने के पहले दुकान का बोर्ड देखते हैं। यदि हमें किराना सामान चाहिए तो हम किराने के दुकान में प्रवेश करते हैं। यदि हमें जूते या कपड़े कुछ खरीदना है तो वैसे मॉल में हम प्रवेश करते हैं। तो हम बोर्ड देखकर दुकान में प्रवेश करते हैं। हम इस संसार में मार्केटिंग करने आए हैं। इस संसार में हर कोई मार्केटिंग कर रहा है, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, अपने पास के धन लिए, जो हमारे पास जो धन है उस धन के माध्यम से मार्केटिंग कर रहे हैं। और इस मार्केट में हर कोई जो है, हर कोई
बार्गेनिंग में लगा हुआ है, परंतु मार्केटिंग करने के पहले मेरे भाई, पहले बोर्ड तो देखो, इस संसार से सौदा उठा रहे हो, परंतु इस संसार के मालिक ने क्या लिखा है इस बोर्ड के ऊपर, ये तो पढ़ो। भगवान भगवद गीता के 8.15 में बोल रहे हैं, माम उपत्ते पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवंती महात्मानं सम सिद्धिम परमं गतः। भक्ति में मुझे प्राप्त करने के बाद, वो बोल रहे हैं, आप और किसी साधन से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, भक्ति के माध्यम से ही मुझे प्राप्त कर सकते हो। भक्ति के माध्यम से मुझे प्राप्त करने के बाद कोई भी इस अस्थाई दुनिया में कभी नहीं लौटता जो दुखों से भरा हुआ है, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च पूर्णता की प्राप्ति कर ली है। ये भगवान बताते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म। हे अर्जुन, जब तक तुम मुझे नहीं प्राप्त करोगे तब तक पुनर्जन्म लेते रहोगे, निश्चित जन्म तो होगा। कौन सा जन्म लेना पड़ेगा भगवान ये नहीं बता रहे, परंतु जन्म निश्चित ही होगा। इस जन्म के बाद दूसरा जन्म पुनर्जन्म निश्चित। अर्जुन युक्ति कर रहे हैं, प्रभु जन्म लेना मतलब दुख भोगना, परंतु भगवान बोल रहे हैं, ना अर्जुन, माम उपेत्य पुनर्जन्म ना विद्यते। जब तक मुझे नहीं पाओगे तब तक जन्म लेना पड़ेगा। कहाँ जन्म लेना पड़ेगा? दुखालय। भगवान ने संसार को कभी भी सुखालय नहीं कहा है, किसी भी शास्त्र में या कोई भी जगह में नहीं लिखा गया कि यह जगत सुखालय है, परंतु मनुष्य इतने भ्रम में है कि वो दुखालय को सुखालय करने की प्रयत्न में लगा हुआ है। जैसे हम मार्केटिंग करने जाते हैं, हम सामान खरीदते वक्त हमारा यही इरादा होता है, कैसे भी करके मैं कम पैसे देकर ज्यादा सामान हासिल करूं। दुकानदार भी यही फिरौत में रहता है कि मैं कैसे ज्यादा पैसा ग्राहक से लेकर अपना सामान बेचूं। हर कोई सोचता है कैसे लाभान्वित हूं। जैसे हम मार्केटिंग में चेष्टा करते हैं, उसी तरह इस संसार में रहने वाले हर कोई सुख की प्रयत्न में लगा हुआ है। कोई शादी कर रहा है, कोई घर कर रहा है, कोई नौकरी में लगा हुआ है, हर कोई चाहता है मैं कैसे सुखी प्राप्त करूं, सुखी प्राप्त करूं। ये दुख का आलय है, ये सुख का आलय नहीं है। इसे मैं सुख का आलय क्यों बनाना चाहता हूं भाई? यदि आपने शादी किया है, वो भी जो शरीर आ रही है वो भी तो पंचभूत से बना है, आपने जो घर बनाया हुआ है वो भी तो पंचभूत से बना हुआ है, आप जो भी कार्य से लगे हुए वो भी तो पंचभूत से बना हुआ है। भगवान की ये से आपका इंजन अलग है, उसका इंजन अलग है, आपका जो है घर जिसने बनाया वो अलग व्यक्ति है, आपका घर जिसने बनाया वो अलग व्यक्ति है, हालांकि कंट्रोल एक व्यक्ति कर रहा है। ये अनुभूति हर एक का है, परंतु इस दुखालय को सुखालय करना है तो हमें उस मालिक से सुनना होगा, उस परमात्मा से सुनना होगा कि वो क्या बोल रहे हैं। केवल सुख भगवान की कथा में मिलेगा, वासुदेव कथा रुचि उनके नाम में मिलेगा। ये साधु और शास्त्र का मर्म है। भगवान को जो कार्य बोल रहे हैं, भगवान जो कार्य बोल रहे हैं, हम वो कार्य नहीं करेंगे तो हम पाप के भागीदार होंगे, बंधन में पड़ेंगे। भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम नहीं करोगे तो पापी हो जाओगे या बंद, ये तय है। भगवान कर्म करने के लिए, भगवान ने ये भक्त लोग बोलते हैं कर्म करने के लिए, ये क्या बोलते हैं लोग बोलते हैं कि अब कर्म करने के लिए भगवान ने भेजा गया है। भाई आप अपने नौकर को कहीं भेजते हो कोई कार्य करने के लिए, यदि वो नौकर जाके अपना कार्य करेगा और आपका कार्य नहीं करेगा तो परिणाम क्या होगा?
जो लोग तर्क करते हैं कि मालिक ने इस संसार में भाई कि कर्म करने के लिए भेजा है, यानी वे मानते हैं कि मालिक ने भेजा है, तो आप सोचिए मालिक ने भेजा है उनका काम करने के लिए या हमारा काम करने के लिए। तो यदि भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है, क्या हम उनका कार्य कर रहे हैं? उनका नियम क्या है हम मान रहे हैं? उन्होंने क्या कहा है क्या हम जानते हैं? हमारा भगवान के साथ संबंध है क्या? ये अनुभूति हमारा अंदर कभी आ रहा है? ये हमें गंभीर भाव से सोचना होगा। मेरा एक मालिक है, उन्होंने मुझे भेजा है, जब मैं उनका कर्म करूंगा तब मैं सुखी रह पाऊंगा। ये भागवत का संदेश है, ये भगवान की वाणी है और ये आचार्यों का मत है। नहीं तो जब तक हम भ्रम में रहेंगे सुख की खोज करने में, तब तक हम दुखी रहेंगे, केवल दुखी रहेंगे। इसीलिए हमें सोचना पड़ेगा कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, गुरुवर्ग आचार्य हमसे क्या चाहते हैं। नहीं तो हम हमेशा जो है, एग्जाम्पल आपने सुना होगा, जैसे एक शहद का बॉटल है और ऊपर से बंद किया हुआ है और हम बाहर से उसको चाट रहे हैं। शहद खाने की इच्छा है पर बाहर से हमें चाट रहे हैं। भाई, शहद के ढक्कन को खोलोगे, वहां से शहद निकालोगे तो आप आनंद महसूस कर सकते हो। तो हमें जानना जरूरी है, इस भौतिक जगत में भगवान बोल रहे हैं दुखालय में, तो पहले ये जानना चाहिए। मगर हमें डिमोरलाइज भी नहीं होना चाहिए, दुखालय 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 दुखालय, नहीं, भगवान बोल रहे हैं सुख की प्राप्ति भी कैसी हो, जब तुम मेरे कहे हुए वचनों के हिसाब से अपना कार्य करोगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।